हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, आपने जो दोस्तों दिवाली में जो सूतरी बम्स तो जलाई होंगे, और दोस्तों आपके भी माइंड में एक जो है ख्याल आता होगा कि यार इसके अंदर होता है ऐसा क्या है कि जो इतना ज्यादा ये विस्फोट होता है, तो इतना ज्यादा जो है धमाका करता है। जी हाँ दोस्तों, आज बेसिकली हम यही जानने वाले हैं कि इस जो है सूतरी बम के अंदर क्या है ऐसा जो इसके अंदर जो इतना ज्यादा धमाका करता है। तो चलिए दोस्तों, इसको जो काट के देखेंगे, इसमें जो भी कुछ करके इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। उसके बाद तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर का राज और ये कैसे फटता है और इससे आवाज कैसे निकलता है। तो चलिए दोस्तों, इस धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को जैसे लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर जरूर से प्रेस करना है। तो चलिए इस धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज दोस्तों, आप ऐसा कुछ भी करने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। मैं जो है थोड़ा सेफ्टी के साथ जो है इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूं, इसको काटने वक्त कुछ चोट लग सकता है, इसलिए आप इसको जो है कहीं भी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सेफ्टी के लिए मैं जो इन ग्लव्स को पहन लेता हूँ, ताकि दोस्तों जो हाथ में कुछ लग ना जाए दोस्तों, और जिससे जो बारूद निकलेगा वो भी मेरे हाथ में ना लगे, इसलिए मैं जो है इस ग्लव्स को पहन लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, हमने जो इस ग्लव्स को पहन लिया। अब दोस्तों जो है, अब इसको जो काटते दोस्तों, हमारे पास तो बड़ा टेंशन आ रही भी है, लेकिन इसको नहीं यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके लिए ये जो है ब्लेड भी काफी है। तो इसको मैं निकाल लेता, देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ब्लेड अभी मैंने लाया दुकान से। तो इससे ही दोस्तों मैं इसको जो कट करने का ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो लेयर है, ऊपर वाला लेयर तो निकल चुका है, मैंने ब्लेड से इसको काट दिया। ये सूतली बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है दोस्तों, और इसके अंदर मुझे एक बॉक्स दिख रहा है जो कि आपको भी दिखेगा दोस्तों। मैं इसको सबसे पहले निकाल लेता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से ये सूतली जो है निकल चुका है। इस बॉक्स को मैं अभी यहाँ पे रखता हूँ। देखते ये जो सूतली, इसके ऊपर से सूतली लपेटा हुआ था और इसको जो कलर में भिगा दिया गया था, देख सकते हैं। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और यहाँ पे आपको जो एक छेद दिख रहा होगा, यही छेद में जो ये फ्यूज होता है, तो ये फ्यूज भी निकल चुका है, तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। अब जो है शायद से दोस्तों ये तो खुल जाएगा, ये सिर्फ बॉक्स है। और बॉक्स के अंदर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा बॉक्स होता है सूतली के अंदर, और उस बॉक्स के अंदर ही जो है बारूद भरा हुआ होता है शायद, मुझे लग रहा है। तो मैं फिर से जो है ग्लव्स पहन लेता हूँ। अब दोस्तों मैं देखता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर जो है कितना बारूद है, देख सकते हो ऊपर से ही निकलने लगा, और यहाँ पे मेरे ग्लव्स में भी लगना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मैं जो है पहले उठा लेता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, एक जो है छोटा सा इतना बड़ा बॉक्स है इस जो है सूतली के अंदर, ये जो सूतली लपेटा हुआ था इसके अंदर ये बॉक्स निकला, और इस बॉक्स के अंदर जो है बारूद है दोस्तों। मैं इसको भी आपको निकाल के दिखाता हूँ अभी बारूद को। देख सकते हैं पूरा जो है एक बॉक्स में बारूद भरा हुआ होता है। तो देख सकते हैं, मैं इस जो है बारूद को निकाल देता हूँ इस बॉक्स के से बाहर। देख सकते हैं दोस्तों, एक सूतली बम के अंदर इतना बारूद होता है, और सिर्फ ये बॉक्स बच गया, देख सकते हैं। तो दोस्तों सूतली बम में सिर्फ जो है ये सूतली लपेटा जाता है, इस बॉक्स के अंदर जो है बारूद भर के सूतली लपेट दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो अंदर में प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर में जब बारूद के अंदर जो आग लगता है दोस्तों, वो जो प्रेशर है उसको निकलने का कहीं पे रास्ता ही नहीं मिलता है। उसके बाद वो जो है ब्लास्ट होता है, और वो जो आवाज़ हम सुनते हैं वो इसके टूटने का आवाज़ आता है। ये जो सूतली है ये टूट जाता है बहुत ही तेज आवाज से, उसके बाद जो है वैसा आवाज़ सुनाई हम लोगों को देता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये जो सूतली बम के अंदर क्या होता है, और दोस्तों ये कैसे आवाज करता है, सिर्फ इसके ऊपर जो ये सूतली लपेटा रहता है, और उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर जो है बारूद भरा हुआ होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये धमाकेदार वीडियो और ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के बाद मजा आया, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया है तो आप उसे कमेंट में डाल दें, हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके आप सभी को भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं भी धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। और दोस्तों आप प्लीज ऐसा कहीं भी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देखना है, कुछ आपके माइंड में आइडिया है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ तक।